दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब पर। लास्ट टाइम पर अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था प्रश्न रसायन, और प्रश्न रसायन का ये लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज अपन डील करेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कोलाइडो के गुण एवं कोलाइडो के अनुप्रयोग से। सबसे पहले अपन यहाँ पर डील करेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो यहाँ पर देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कोलाइडी विलयन के अंदर दो फेज होती है, एक को बोलते हो आप डिस्पर्शन फेज और सेकंड वाले को बोलते हो डिस्पर्शन मीडियम। मीनिंग एक तो हो गई प्रक्षिप्त परावस्था और दूसरा वाला हो गया प्रक्षेपण माध्यम हो गया। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जो भी कोलाइडी विलयन होता है, ये वाला कोलाइडी विलयन है विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी कोलाइडी विलयन हो वो विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। मतलब जितना उसके ऊपर धनात्मक आवेश रहेगा उतना ही ऋणात्मक आवेश रहेगा। मीनिंग कोलाइडी विलयन है उसकी प्रकृति, विद्युत प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर कोलाइडी विलयन क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया, तो कोलाइडी विलयन में दो फेज होती है, एक को तो बोलते हो प्रक्षिप्त परावस्था और दूसरा हो गया प्रक्षेपण माध्यम। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रक्षिप्त परावस्था है, या आप इसको बोलते हो डिस्पर्शन फेज बोलते हो, तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जो डिस्पर्शन फेज है इसमें क्या होता है, एक समान आवेश क्या होता है, उपस्थित रहता है। डिस्पर्स फेज के जितने भी पार्टिकल है, जितने भी कण है, उन पर एक समान आवेश उपस्थित रहता है। मतलब मान लीजिए कि किसी भी प्रक्षिप्त परावस्था पर अगर धनात्मक आवेश है, तो जितने भी कण है प्रक्षिप्त परावस्था के, सबके ऊपर आवेश कौन सा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। मतलब केवल और केवल एक समान क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। दूसरा वाला कौन सा होगा, प्रक्षेपण माध्यम होगा। तो प्रक्षेपण माध्यम में आपको यह ध्यान रखना है कि इसके ऊपर भी आवेश उपस्थित होगा, और उस वाले आवेश की प्रकृति कैसी होगी, जो आवेश प्रक्षिप्त परावस्था के ऊपर स्थित है उसके जस्ट विपरीत प्रकार का आवेश कहां पर उपस्थित होगा, प्रक्षेपण माध्यम पर उपस्थित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रक्षिप्त परावस्था पर केवल एक समान आवेश उपस्थित होता है, जबकि प्रक्षेपण माध्यम पर प्रक्षिप्त परावस्था के विपरीत आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है। अगर मान लीजिए प्रक्षिप्त परावस्था धनात्मक है, तो यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम कौन सा होगा, फिर कौन सा आवेश होगा उस पर, ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोलाइडी विलयन होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर कोलाइडी विलयन को अपन बंधुता के आधार पर दो भागों में बांट कर आए थे। पहला था द्रव्य स्नेह कोलाइडी, दूसरा वाला था द्रव्य विरागी सोल या फिर कोलाइडी। तो द्रव्य स्नेह कोलाइडी तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जो द्रव्य विरागी सोल है वो कैसे होती है, अनस्टेबल होती है। अब आपको क्या करना है, जो द्रव्य विरागी सोल है इनको स्टेबल बनाने के लिए आप इसमें किसकी मिक्सिंग कर देते हो, विद्युत अपघट्य की मिक्सिंग कर देते हो। मतलब आप इसमें क्या मिला देते हो, विद्युत अपघट्य मिला देते हो। अगर विद्युत अपघट्य आपने द्रव्य विरागी सोल में मिलाया है, तो जो द्रव्य विरागी सोल भी कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोलाइडी कण का मतलब क्या हो गया, प्रक्षिप्त परावस्था की बात कर रहा हूं मैं, तो कोलाइडी जो कण होते हैं वो जांतव झिल्ली, मतलब जो जंतु झिल्ली होती है कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो क्या होता है कि जो जांतव झिल्ली है या पर्चमेंट पेपर है, इनसे होकर कोलाइडी कण है इनसे होकर विसरित नहीं हो पाते। मतलब इस वाली जांतव झिल्ली या जंतु झिल्ली को पार नहीं कर सकते, मतलब कोलाइडी कणों का विसरण जांतव झिल्ली के द्वारा नहीं होता है। अब आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते, सबसे पहले देखेंगे अपन कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। तो यहां पर देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कोलाइडी विलयन कैसे बनाते थे, तो उसके लिए दो विधियां थी। पहली वाली विधि तो कौन सी थी आपके पास, एक विधि तो थी आपके पास जिसमें क्या कर रहे थे आप, छोटे छोटे अणुओं को आपस में जोड़कर क्या बना रहे थे, कोलाइडी कण बना रहे थे। और दूसरी वाली विधि में क्या कर रहे थे, जो बड़े आपके पास कण थे उन कणों को महीन पीसकर आप इसमें परिवर्तित कर रहे थे, कोलाइडी कणों में परिवर्तित कर रहे थे। तो यहाँ पर जो भी एक तो अपन ने देखा था कोलाइडी मील था, कोलाइडी मील के द्वारा भी किसका निर्माण किया जाता है, कोलोइड का। और दूसरा वाला एक आपने बोला था ब्रेडिंग आर्क विधि, ये भी इंपॉर्टेंट थी, ब्रेडिंग आर्क विधि जिसको आपने बोला था कि आपने जो भी सिल्वर था गोल्ड था इनके इलेक्ट्रोड लिए थे, फिर आपने इसको उच्च विभव की स्रोत से जोड़ दिया था, और जो सेकंड वाला पात्र था उसमें आपने बर्फ रख रखा था। तो इस टाइप से जो भी आपने कोलाइडी विलयन बनाया था, उन वाले कोलाइडी विलयनों में क्या रह जाती है, अशुद्धि रह जाती है। तो उस वाली अशुद्धि को दूर करना ही क्या कहलाता है, कोलाइडी का शुद्धिकरण कहलाता है। आइए इनको देखते स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए,
उपयुक्त विधियों से बनाए गए कोलाइडी विलयनों में कुछ विलय अशुद्धियां वह विद्युत अपघट्टे रह जाते थे। आपने ये बोला था कि जो भी द्रव विरागी कोलाइड है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए आपने क्या मिक्स किया था, उसमें विद्युत अपघट्टे की कुछ मात्रा मिश्रित की थी, तो ये क्या हो गई, अशुद्धियां हो गई। मतलब कुछ तो विलय अशुद्धियां होती है जो कोलाइडी विलयन में घुल जाती है, और क्या होता है साथ में विद्युत अपघट्टे की अशुद्धियां होती है। विद्युत अपघट्टों की सूक्ष्म मात्रा प्राय कोलाइड विलयन के स्थायित्व हेतु आवश्यक होती है। अभी ये मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास कोलाइडी विलयन है, द्रव विरागी की अपने आप मुख्य रूप से बात करेगी तो द्रव विरागी कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और इसको स्टेबल बनाने के लिए आप इसमें किसकी मिश्रण करते हो, विद्युत अपघट्टे का। जैसे आपने विद्युत अपघट्टे इस वाले द्रव विरागी कोलाइड में मिश्रित किया है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म मात्रा में तभी क्या होगा, स्टेबल होगा, अगर आपने बहुत ही ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्टे मिला दिया है तो फिर जो कोलाइडी है वो आपस में समगुणित होकर किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, निलंबन बना लेंगे, मतलब फिर कोलाइडी विलयन नहीं रहेगा। तो यहां पर देखिए कुछ विलय अशुद्धियां विद्युत अपघट्टे रह जाते हैं, विद्युत अपघट्टों की सूक्ष्म मात्रा प्राय कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के हेतु क्या होती है, आवश्यक होती है, परंतु अधिक मात्रा होने पर कोलाइडी विलयन धीरे धीरे अवक्षेपित हो जाती है। धीरे धीरे अवक्षेपित होने का मतलब क्या, आपस में समगुणित होकर किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, निलंबन बना लेंगे। अर्थात कोलाइडी विलयन के शोधन का मुख्य उद्देश्य विद्युत अपघट्टों की अधिक मात्रा को दूर करना। अगर मान लीजिए विद्युत अपघट्टे अगर अधिक मात्रा में उपस्थित है तो विद्युत अपघट्टे की जो अशुद्धि है इसको दूर करना ही किसका उद्देश्य होता है, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण का। इसके लिए निम्न प्रकार से मुख्य रूप से निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती है। कौन कौन सी विधियों के द्वारा कोलाइडी विलयन है इसका क्या कर सकते हो, शुद्धिकरण कर सकते हो। पहली विधि देखिए अपोहन, अपोहन को आप बोल सकते हो, डायलिसिस भी बोल सकते हो। पहली विधि कौन सी है, अपोहन। अगर ये विधि आपने अंडरस्टैंड कर ली तो इसकी जो नेक्स्ट वाली विधि आएगी विद्युत अपोहन। दोनों विधियां एक ही प्रकार की, बस उसमें विद्युत क्षेत्र आप अप्लाई कर देते हो और यहां पर आप विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, बस इतना सा डिफरेंस है। पहली विधि देखिए कौन सी आपके पास, अपोहन। अपोहन में क्या करते हो, तो यहां पर इस वाले डायग्राम से आप इसको आसानी से समझ लीजिए, आपको क्या करना है, एक बेग लेना है और ये वाला जो बेग जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं इसके अंदर आपने क्या भर के रखा है, कोलोइडी विलयन या फिर अशुद्ध सोल। कोलोइडी विलयन को क्या बोल सकते हो, सोल बोल सकते हो। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, एक बेग लिया और उस वाले बेग में किसको भर लिया है, कोलाइडी विलयन को। और ये जो बेग है ना इसका ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है जांतव झिल्ली से। किससे बना हुआ है, आप इसको जांतव झिल्ली बोल सकते हो या पर्चमेंट पेपर बोल सकते हो, अदरवाइज कोशिका झिल्ली से बना हुआ है। मतलब कोशिका झिल्ली या जांतव झिल्ली का एक बेग लेते हो और इस वाले बेग में क्या भर लेते हो, आप कोलाइडी विलयन या अशुद्ध सोल, और इसको क्या करते हो, शुद्ध जल के अंदर हैंग आउट कर देते हो, मतलब लटका देते हो। और फिर क्या करते हो कि एक साइड से आप इसके अंदर जल है वो प्रवाहित करते हो, जल है वो अधिक दाब के साथ प्रवाहित किया जाता है। अब यहां से क्या होगा, ये वाली जो पर्चमेंट पेपर या जांतव झिल्ली में जो कोलाइडी विलयन उपस्थित है इसमें क्या उपस्थित है, विद्युत अपघट्टे है, और आपको उस विद्युत अपघट्टे की जो अधिक मात्रा है उसको क्या करना है, दूर करना है। तो जैसे ही यहां पर जल के अणु इस वाली पर्चमेंट पेपर या जांतव झिल्ली से होकर गुजरेंगे तो इस अशुद्ध सोल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्टे है वो जल के साथ इस वाली जांतव झिल्ली से क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। लेकिन जो कोलाइडी कण है वो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो सकते, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार जांतव झिल्ली के जो छेद उससे क्या होता है, अधिक होता है। तो जो विद्युत अपघट्टे वो तो जल के साथ घुलनशील होकर इस वाले अपोहक से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और इस वाले जो बेग में या फिर जांतव झिल्ली में शेष जो रहेगा वो क्या रहेगा, केवल और केवल कोलाइडी कण रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। इस प्रक्रिया में आपको लगातार जल का क्या करके रखना है, प्रवाह है बनाए रखना है। मीनिंग एक साइड से जल है उच्च दाब पर आप इस वाले पात्र में प्रवाहित करती हो और इस साइड से जल क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो देखिए विद्युत डायलिसिस या फिर अपोहन क्या कौन सी विधि होती है, अपोहन की प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि कोलाइडी कण पर्चमेंट झिल्ली या कोशिका झिल्ली और चर्म पत्र से विसरित नहीं हो सकते। तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, पर्चमेंट झिल्ली बोल दीजिए, कोशिका झिल्ली, अदरवाइज चर्म पत्र से विसरित नहीं हो सकते। जबकि विद्युत अपघट्टे के आयन क्या हो सकते, विसरित हो सकते, क्योंकि विद्युत अपघट्टे में क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, जल के साथ घुलेंगे और पर्चमेंट पेपर से या चर्म पत्र से क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। कोलाइडी विलयन को पर्चमेंट या कोशिका झिल्ली के अपोहक में, अपोह का मतलब क्या हो गया, बेग ही है एक टाइप का, किससे बना हुआ है ये, पर्चमेंट या कोशिका झिल्ली से,
के अपोहक में पानी के साथ भर लेते हैं। धीरे धीरे विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां बाहर की ओर विसरित हो जाती है तथा शुद्ध कोलाइडी विलयन अपोहक में रह जाता है। जैसे पानी अधिक दाब के साथ इस वाले चर्म पत्र अदरवाइज कोशिका झिल्ली या पर्चमेंट पेपर से गुजरेगा तो इसके अंदर जो अशुद्धि है विद्युत अपघट्य की वो तो जल के साथ घुलनशील होकर और इस वाले पर्चमेंट पेपर से क्या हो जाएगी, विसरित हो जाएगी और इसके अंदर केवल और केवल कौन रह जाएंगे, कोलाइडी कण रह जाएंगे, क्योंकि कोलाइडी कण है वो पर्चमेंट पेपर से विसरित नहीं हो सकते। अतः वास्तविक विलयन में उपस्थित पदार्थों को कोलाइडी अवस्था में पृथक करने की प्रक्रिया यानी उचित झिल्ली से विसरण का होना ही क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। तो यहां पर आपको डायग्राम इजीली अंडरस्टैंड करना, पूरा सिस्टम डायग्राम से क्या करना, आपको बस एक क्या लेना, पर्चमेंट पेपर की एक बैग लेना, उसमें आपको कोलाइडी विलयन भर लेना है, उसको पानी के अंदर क्या करना, हैंग आउट मीनिंग लटका देना है, एक साइड से आपको जल का प्रवाह करना है अधिक दाब पर, तो जल के अंदर जो विद्युत अपघट्य वो घुलकर इस वाले पर्चमेंट पेपर से विसरित हो जाते हैं और शेष बचा हुआ जो भाग है जो कि आपके अपोहक में रहेगा क्या रहेगा, केवल और केवल शुद्ध कोलाइडी पदार्थ इसमें क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाली विधि कौन सी, विद्युत अपोहन। इसीलिए मैंने बोला था कि अपोहन को समझ लीजिए तो विद्युत अपोहन तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, मीनिंग इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, बस केवल और केवल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाना है। और विद्युत क्षेत्र लगाने से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको केवल इलेक्ट्रोड लगाने, मतलब धनायन और ऋणायन, मतलब कैथोड और एनोड, उन दोनों को बस इस वाले पात्र में और लगा देना। तो इससे क्या होगा, जो कि ये दर होती है इनको विसरित करने की, वो विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर विसरण की दर बढ़ जाएगी तो आसानी से जो कोलोइडी विलयन क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। तो देखिए दूसरी वाली विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि यही है, अगर एग्जाम में आती है यहाँ पर शुद्धिकरण की विधि तो यही पूछी जाएगी, विद्युत अपोहन जिसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोडायलाइसिस, तो इसको स्टार से मेंशन कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके बाद में देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। यह है अपोहन की विकसित प्रक्रिया ही होती है, मतलब ये टोटली बेस किस पर है, अपोहन पर ही बेस है, क्योंकि सामान्य अपोहन की प्रक्रिया कैसी होती है, धीमी होती है। बस नॉर्मल बात है कि जो सामान्य अपोहन की प्रक्रिया कैसी होती है, धीमी होती है। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपोहन क्या कहलाता है, विद्युत अपोहन कहलाता है। मतलब यहां पर भी क्या होगा, अपोहन तो होगा लेकिन किसकी उपस्थिति में होगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होगा, तो आप इसको क्या बोल दोगे, विद्युत अपोहन कहलाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपोहन क्या कहलाएगा, विद्युत अपोहन कहलाता है। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चित्र के अनुसार दो अपोहन झिल्लियों के मध्य भर लेते हैं, शुद्ध जल को बाह्य भाग में भर लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड बाह्य भाग में होते हैं। जब इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धि में उपस्थित आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर तीव्र गति से विसरित होते हैं, जिससे विसरण की दर बढ़ जाती है। प्रभावी पृथक्करण हेतु पानी का निरंतर प्रवाह क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके दो भाग बनाने, मतलब यहाँ पर दो झिल्लियां रख लिया आपने, अपोहक झिल्ली जिसके अंदर आपने ये वाली झिल्ली किससे बना रखी है, जांतव झिल्ली बोल सकते हो, और इसमें आपने क्या भर के रखा है, कोलोइडी विलयन या फिर कोलोइडी सोल भर के रखा है। अब की बार आपने क्या किया कि इसका जो बाह्य भाग है उसमें क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये लीजिए पहला वाला इलेक्ट्रोड, ये वाला सेकंड वाला इलेक्ट्रोड, इनको आपने विद्युत धारा से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इस वाले इलेक्ट्रोड पर मैंने कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और ये जो सेकंड वाला कौन सा है, आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड चार्ज है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। अब आपको बताया कि विद्युत अपघट्य, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, NaCl भी क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। किस प्रकार से आयनित होता है, जल के अंदर Na+ और Cl-, मतलब विद्युत अपघट्य में एक तो धनायन होगा, दूसरा वाला ऋणायन होगा। हमेशा ध्यान रखना धनायन है वो किस ओर जाएगा, कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा। कैटायन तो कहां पर जाता है, कैथोड पर, और जो एनायन मतलब जो ऋणायन होता है वो कहां पर जाता है, एनोड पर जाता है। तो यहां पर बस आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि जो जल के साथ विसरित होने की जो दर है ना विद्युत अपघट्य की, जैसे ये वाला, जैसे सोडियम क्लोराइड अगर विद्युत अपघट्य उपस्थित है तो जो सोडियम के आयन है वो तो कहां पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, कैथोड पर जाकर, और जो ऋणायन जो क्लोराइड के आयन कहां पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, एनोड पर। तो इस प्रकार से जो पहले जो अपोहन धीरे हो रहा था उसकी गति को आप उसके विसरण होने की दर को बढ़ा दी। बढ़ाई कैसे आपने, बस केवल और केवल यहां पर किसका यूज कर लिया, इलेक्ट्रोड का यूज कर लिया। और विद्युत क्षेत्र के द्वारा अपोहन हो रहा तो आपने इसको क्या बोल दिया, विद्युत अपोहन बोल दिया। पूरा सिस्टम वही है, बस आज आपने क्या किया, बस दो इलेक्ट्रोड लगा दिए यहां पर, क्या लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। नेक्स्ट देखिए, अति सूक्ष्म निसंदन, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन।
कोलाइडी कण साधारण निसंदेह के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से क्या होता है, बड़ा होता है। नॉर्मल सी बात है कि जो भी निसंदेह होता है या फिल्टर पेपर होता है उससे क्या होते हैं कि कोलाइडी कण वो आसानी से बाहर निकल जाते, फिल्टर हो जाते। क्यों? क्योंकि जो निसंदेह है उनके जो आकार है छिद्रों का आकार क्या होता है, कोलाइडी कणों से अधिक होता है। छिद्रों के आकार को कम करने के लिए इसे जिलेटिन या कोलोइडी विलयन में भिगोकर पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाते। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास निसंदेह है उसके जो छिद्रों का आकार आपको क्या करना है, कम करना है। तो उसके छिद्रों का आकार को कम करने के लिए आप क्या करती हो, जिलेटिन या कोलोइडी विलयन में पहले इसको भिगोकर और फिर किसमें मिला देती हो, फॉर्मेल्डिहाइड में मिला देती हो। इससे क्या होगा, छिद्र है वो कठोर हो जाते। इस प्रकार के निसंदेह को अति सूक्ष्म निसंदेह कहते हैं जो कि विद्युत अपघट्यों तथा विलय अशुद्धियों को अपने में से गुजरने देते हैं किंतु शुद्ध कोलाइडी कणों को रोक लेता है। मतलब आपको यहाँ पर एक बेनिफिट ये हो गया कि जो भी आपने अति सूक्ष्म निसंदेह का यूज किया है तो इसके जो छिद्रों का आकार है वो कोलाइडी कणों के आकार की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो मतलब जो कोलाइडी कण है वो इस अति सूक्ष्म निसंदेह को पार नहीं कर सकते, विसरित नहीं होंगे, लेकिन जो अविलय अशुद्धियां और विद्युत अपघट्य वो आसानी से क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर सकते हो। तो ये तीन विधियां, तीन विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट है ये विद्युत अपोहन। जब भी एग्जाम में शुद्धिकरण की विधि आएगी कौन सा पूछा जाएगा, विद्युत अपोहन पूछा जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहाँ पर अपन कुछ ऐसे कोलाइडी है उनके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये जो भी आपके पास यहाँ पर जो भी हेडिंग मेंशन कर रखी है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, कोलाइडी के गुण को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर आप हेडिंग भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर अपन जितने भी पढ़ेंगे वो किसके गुण होते हैं, कोलाइडो के गुण होते हैं। तो सबसे पहले कोलाइडो का अगर आप गुण की बात करेंगे तो पहला क्या देखेंगे अपन, रंग। तो रंग के अंदर देखिए, कोलाइडी विलयनों का रंग परिक्षिप्त प्रावस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णित तरंग धैर्य के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोलाइडी कण अगर वो आपको रंगीन दिखाई देती है तो उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही कोलाइडी विलयन कैसी दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन है वो किस पर निर्भर करता है, तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन से रेडिएशन की या विकिरण की कितनी तरंग दे रही है उसका किस पर इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रकाश के प्रकीर्णन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोलाइडी कण प्रकाश के जिस तरंग धैर्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं कोलाइडी विलयन उसी तरंग धैर्य के रंग का दिखाई देता है। अगर मान लीजिए पानी है, समुद्र का पानी आपको नीला दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो समुद्र है उसके अंदर जो भी कोलाइडी जो कण है वो कौन से तरंग धैर्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक कर रही है, नीले रंग का। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कोलाइडी कण प्रकाश के जिस तरंग धैर्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं कोलाइडी विलयन उसी तरंग धैर्य के रंग का दिखाई देता है। प्रकीर्णन तरंग धैर्य का मान कोलाइडी कणों के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना आपको कि जो भी प्रकीर्णित जो तरंग धैर्य है उसका मान किस किस पर निर्भर करेगा, कोलाइडी कण के आकार पर निर्भर करता है और कोलाइडी कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब दो फैक्टर पर निर्भर करता है, दो कारक है जो ये निर्धारित करते हैं कि जो प्रकीर्णित जो तरंग धैर्य है वो कौन सी रेंज में आएगा। पहला कारक होता है उसके अंदर आपके कोलाइडी कणों का आकार मीनिंग साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, और दूसरा वाला होता है कोलाइडी कणों की प्रकृति मीनिंग नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहां पर। तो रंग निर्धारित हो जाएगा इस टाइप से, मतलब जिस भी कोलाइडी कण जिस प्रकाश के तरंग धैर्य का अधिक प्रकीर्णन करता है कोलाइडी कण उसी रंग के आपको क्या करते हैं, उसी तरंग धैर्य के रंग के क्या क्या दिखाई देते हैं, उसी तरंग धैर्य के रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए विद्युत गुण, इसके बारे में अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे डील करवा दिया था कि विद्युत गुण से आपको किस प्रकार से डील करना है। तो यहां पर देखिए, कोलाइडी सोल के स्थायित्व का मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर स्थित आवेश होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो भी परिक्षिप्त प्रावस्था उसके कणों पर क्या होगा, आवेश होगा। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कैसा आवेश होता है, एक समान आवेश होता है। वास्तव में परिक्षिप्त प्रावस्था में सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोलाइडी जो विलयन है उसमें जो भी परिक्षिप्त प्रावस्था रहेगी उस वाली परिक्षिप्त प्रावस्था पर केवल और केवल
एक ही प्रकार का मतलब एक समान आवेश उपस्थित होता है, अर्थात या तो कोलाइडी कण कैसे होंगे धनावेशित हो सकते हैं अथवा कोलाइडी कण कैसे हो सकते हैं ऋणावेशित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त परावस्था पर धनात्मक आवेश भी उपस्थित हो जाए और उन्हीं के कणों पर ऋणात्मक आवेश भी उपस्थित हो जाए। मतलब केवल और केवल एक ही प्रकार का आवेश क्या रहता है उपस्थित रहता है। एक ही प्रकार के आवेश युक्त कण एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करते, ये नॉर्मल बात है। समान आवेश हमेशा क्या होते हैं प्रतिकर्षित और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है आकर्षण होता है। तो यहां पर जो कोलाइडी जो कण है उनकी परिक्षिप्त परावस्था पर एक ही प्रकार का आवेश है तो इनके मध्य क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, इसी कारण ये पास नहीं आ पाते। और जब कोलाइडी कण आपस में पास नहीं आएंगे तो मतलब फिर ये कोलाइडी अवस्था से निलंबन के अंदर परिवर्तित नहीं होंगे, मतलब जो भी कोलाइडी कण उनका संगुणन नहीं होगा, जब संगुणन नहीं होगा तो फिर वो कोलाइडी विलयन में रहेंगे, मतलब फिर वो आपस में गुच्छा बनाकर निलंबन में परिवर्तित नहीं होंगे, मतलब उनके कणों का जो परास है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य तक ही रहेगी, अर्थात संयुक्त होकर बड़े आकार का कण नहीं बनाता मतलब निलंबन का निर्माण नहीं करता। तो ये कौन सा गुण हो गया विद्युत गुण, बस इसमें इंपॉर्टेंट है ये विद्युत गुण में कि जो भी आपके प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है उसके सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है पहली बार। दूसरा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक ही प्रकार का आवेश है तो इन जो प्रक्षिप्त प्रावस्था की कणों के मध्य क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या नहीं हो पाएंगे पास नहीं आ पाएंगे, और जब पास नहीं आ पाएंगे तो मतलब ये आपस में संयुक्त होकर बड़े कणों का निर्माण या फिर निलंबन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तीसरा देखिए ब्राउनियन गति, ये वाले इंपोर्टेंट है, एक तो ब्राउनियन गति पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे अपन टिंडल प्रभाव। आरबीसी बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसके अंदर इन दोनों में से एक सवाल नहीं पूछा है, तो या तो ब्राउनी गति पूछता है अदरवाइज क्या पूछता है टिंडल प्रभाव पूछता है। तो देखो ब्राउनी गति को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं कि जो कोलोइडी विलयन में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है उनके कणों की जो भी प्रक्षिप्त प्रावस्था है उनके कणों की कोलाइडी विलयन में टेडी मेडी गति को क्या बोलते हो ब्राउनी गति। बस सिंपल फॉर्म में आप याद रख सकते हो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों की कोलाइडी विलयन में टेडी मेडी गति को ही क्या बोलते हो ब्राउनी गति बोलते हो, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। आप अगर चाहो तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना रखा है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, राइट डाउन कर सकते हो ब्राउनी गति की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की टेडी मेडी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं आप ब्राउनी गति करते हैं। तो यहां पर देखिए किस टाइप से एक्सप्लेन कर रहा है, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री था रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, पाया कि पानी में पड़े प्राकण एक निरंतर अनियमित टेडी मेडी गति करते, इस गति को उसने ब्राउनी गति कहा। बाद में यह पाया गया कि प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण कोलाइडी विलयन में इसी प्रकार की मतलब टेडी मेडी गति करते, इसी को क्या बोलते हो ब्राउनी गति। तो वापिस रिपीट कर देता हूं मैं परिभाषा, कोलोइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण लगातार टेडी मेडी गति करते, इसी को क्या बोलते हो ब्राउनी गति बोलते हो। और उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि सिनेमा हॉल में प्रकाश के मार्ग में धुएं के कण अनियमित गति करते हुए क्या होते प्रतीत होते। तो यहां पर ये आप मान लीजिए एक कोई कोलाइडी कण था, लगातार कोलाइडी विलयन में क्या करेगा लगातार टेडी मेडी मतलब जिगजैग क्या करता है मोशन करता है गति करता है लगातार, इसी को क्या बोलते हो ब्राउनी गति बोलते हो। तो नेक्स्ट वाला गुण देखेंगे अपन प्रकाशिक गुण, अगला वाला जो गुण किसका पढ़ रहे अपन कोलाइडी जो विलयन है उनका गुण पढ़ रहे, और उसमें नेक्स्ट वाला कौन सा आता है टिंडल प्रभाव आता है। अभी मैंने बोला था कि या तो ब्राउनी गति आता है एग्जाम में अदरवाइज कौन सा पूछता है टिंडल प्रभाव पूछता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि टिंडल प्रभाव कौन सा गुण होता है प्रकाशिक गुण होता है, कौन सा गुण होता है प्रकाशिक, मीनिंग ये ऑप्टिकल से रिलेटेड है प्रकाश से संबंधित है। अब देखिए किस टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं, जब अंधेरे में किसी वास्तविक विलयन में से प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो विलयन में वह प्रकाश दिखाई नहीं देता है जब तक कि आंखों को प्रकाश की दिशा के पथ में न ले जाया जाए, परंतु जब प्रकाश पुंज को कोलोइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है, यह परिघटनाएं क्या कहलाती है टिंडल प्रभाव कहलाती है। मतलब परिभाषा कहां से बन जाएगी यहां से, मीनिंग क्या हो जाएगा टिंडल प्रभाव की परिभाषा, तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा यहां से आप मेंशन कर सकते हो, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है,
इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब आप ये वाला घर पर भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक ग्लास के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आपको ग्लास के अंदर नमक को पूरी तरीके से घोल कर रखना है, उसको अंधेरे में रख लीजिए ग्लास को, और ग्लास में क्या करना है आपको साइड से बैटरी जला लीजिए और उस वाली बैटरी की लाइट को ग्लास से पास कीजिए। तो जब तक आपको उस वाले प्रकाश का पथ है वो चमकीला दिखाई नहीं देगा, जब तक आप उसको प्रकाश की दिशा से या प्रकाश के पथ में ना ले जाया जाए। नहीं, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी वो वाली लाइट है वो ग्लास के एक साइड से एंटर होकर ग्लास की दूसरी साइड तो निकल जाएगी, लेकिन जो ग्लास के अंदर मतलब जो विलयन बना रखा है ना उसमें आपको चमकीला रेखा दिखाई नहीं देगी, मतलब किसी भी प्रकार का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। लेकिन यही प्रयोग आप कर सकते हो कि जब आप पानी का ग्लास लो उसमें वापिस से क्या मिला लीजिए, स्टार्च मिला लीजिए या मैदा मिला लीजिए और उसको घोल दीजिए, उसके बाद में अंधेरे में रखिए और वापिस से क्या करना आपको बैटरी जलाकर देखना, मतलब बैटरी को एक साइड से जलाना। तो क्या हो जाएगा, जब जैसे बैटरी जलाओगे तो जो ग्लास के एक साइड से बैटरी क्या करेगी, पास आउट होकर ग्लास के आर पार चली जाएगी उसकी क्या प्रकाश। लेकिन अब की बार चेंज क्या हो गया कि अब की बार जो आपको कोलोइडी विलयन है ना उसमें भी प्रकाश का पथ दिखाई देगा, बस यही इंपोर्टेंट है। मतलब जब भी आप कोलोइडी विलयन में से प्रकाश पुंज को गुजारते हो तब उसका पथ है वो कैसा दिखाई देगा, चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। इसी को आप क्या बोलते हो, टिंडर प्रभाव बोलते हो। यह प्रक्रिया कोलाइडी कणों की सतह से प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण है। ये इंपोर्टेंट वर्ड है कि जो भी आपके टिंडल प्रभाव दिखाई देता है उसका कारण क्या है, प्रकीर्णन है। इंपोर्टेंट थिंग है, मीनिंग जो भी टिंडल प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, प्रकीर्णन उत्तरदायी होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकीर्णन उत्तरदायी है। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर के कारण होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर मीनिंग ऐसा कारण क्या, लॉजिक क्या है, तो कारण ये रहेगा कि आपके पास एक तो डिस्पर्स फेज है, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में जितना ज्यादा अंतर होगा ना टिंडल प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अगर आपको टिंडल प्रभाव है अधिक से अधिक प्रदर्शित करना है तो इसके लिए शर्त क्या चाहिए, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना ज्यादा अपवर्तनांक में अंतर होगा प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के उतना ही अधिक आपको क्या प्रदर्शित होगा, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। और प्रकाश का प्रकीर्णन कौन करेगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण करेंगे। और टिंडल प्रभाव की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हो, टिंडल प्रभाव बोलते हो। और ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य जितना इसका अंतर होगा अपवर्तनांक का उतना ही ज्यादा क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। द्रव्य विरोधी कोलाइड के लिए इस अंतर का मान अधिक होता है। मतलब दो प्रकार के पटे थे बंधुता के आधार पर, एक तो द्रव्य स्नेही एक द्रव्य विरोधी। तो द्रव्य स्नेही तो जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन द्रव्य विरोधी कोलाइड है वो क्या करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। और प्रदर्शित करने के पीछे कारण क्या हो जाएगा कि जो द्रव्य विरोधी कोलाइड है उसके लिए प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम बना रखा है। मतलब ये वाला आपके पास कोई ग्लास है या कोई पात्र, इसमें आपने कोलोइडी विलयन भर रखा है और यहां से आपने कोई प्रकाश स्रोत या बैटरी रख दिया। क्या होगा यहां से, ये क्या होगा, ये वाली लाइट है वो इस वाले ग्लास को क्या करेगी, आर पार करके इस साइड से पास आउट हो जाएगी। लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि यहां पर जो ये लाइट यहां से पास आउट होगी ना तो कोलोइडी विलयन में आपको प्रकाश का पथ दिखाई देगा। मतलब आपको जो विलयन बना रखा है अंधेरे में, जो भी आपने कमरे में रख रखा है प्रैक्टिकल का अगर आप कर रही है, तो वहां पर क्या होगा, जो भी कोलोइडी विलयन है उसमें भी आपको लाइट की पथ या लाइट की दिशा आपको क्या करेगी, दिखाई देगी। इसी को क्या बोलते हो, टिंडल प्रभाव बोलते हो। उदाहरण देख लीजिए इसका, जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र में से होकर आती है तो किरणों के पथ में उपस्थित धूल के कणों का दिखाई देना टिंडल प्रभाव का सर्वाधिक उदाहरण है। सुबह के समय आप देखते हो जब भी खिड़की या फिर कोई जाली के द्वारा क्या होता है कि जब भी सुबह जब अंधेरा रहता है तो मान लीजिए अगर लाइट वहां से प्रवेश कर रही है तो आपको जो धूल के कण है मतलब जो कोलाइडी कण है वो लाइट के पथ में क्या देती है, घूमती हुई दिखाई देती है। तो मतलब इसी को आप, ये वाला सबसे बेस्ट उदाहरण होता है किसका, टिंडल प्रभाव का। दूसरा देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, अब यहां पर बात आई थी क्योंकि जो टिंडल प्रभाव है उसका कारण ही क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन होना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिलेशन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो शायद, इसको वीन का नियम बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो टिंडल प्रभाव है
जो मैंने इसमें जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आप इक्वेशन बना सकते हो क्या, प्रकीर्णन मीनिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीनिंग व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के। तो क्या बन जाएगा, प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 मीनिंग क्या होता है, जो भी तरंग दैर्ध्य है उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। जो भी आपके रंगों की बात करती हो तो बेनिया पीनाला, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। कॉमन सेंस की बात है, प्रकीर्णन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, और तरंग दैर्ध्य की भी कौन सी घात के, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है, नीले रंग की, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी किसका होगा, नीले रंग का। अतः इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसी कारण समुद्री जल हो, आकाश, तरण ताल मतलब तालाब, जल नीले दिखाई देते हैं, मतलब समुद्र का जल हो, आकाश हो या तालाब का जल, ये कैसे दिखाई देते हैं, नीले दिखाई देते हैं। नीले दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। और नीले क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, नीले रंग का। और अभी आप पहले बोलकर आए हो कि जिस तरंग दैर्ध्य का जितना अधिक प्रकीर्णन होगा वो वाला फिर उसी रंग का दिखाई देता है। तो ये हो गया आपके पास टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के सोल है, क्योंकि आपने आवेश की बात की कि कोलाइडी विलयन के कणों पर क्या उपस्थित होता है, आवेश उपस्थित होता है। तो आवेश उपस्थित होने पर दो प्रकार का हो सकता है आवेश, या तो धनात्मक आवेश हो सकता है अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो इसी आधार पर आपने कोलाइडी विलयन को भी दो भागों में बांट दिया, पहला तो बोल दिया आपने ऋणावेशित कोलाइडी सोल, और दूसरा बोल दिया आपने धनावेशित कोलाइडी सोल। तो इसके उदाहरण याद करना, और ये वाला एक उदाहरण यहाँ पर गलत दे रखा है, हीमोग्लोबिन होता है उसको एनसीईआरटी की बुक में किसमें बोल रखा है, धनावेशित में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन है वो ऋणावेशित का उदाहरण नहीं है। हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के वाहक का काम करता है शरीर में, तो वो किसका उदाहरण होता है, एक्चुअल में वो उदाहरण होता है आपके किसका, धनात्मक का उदाहरण होता है। तो यहां पर आपको मेंशन करना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हीमोग्लोबिन है एक्चुअल में वो किस टाइप का होता है, हीमोग्लोबिन होता है आपके धनात्मक टाइप का, हीमोग्लोबिन। अब यहां पर ये वाली टेबल आपको लर्न करनी, मीनिंग किस टाइप से इस वाली टेबल को लर्न करेंगे, तो उसको देख लेते हैं अपने एक बार। दो प्रकार की होगी सोल अब की बार, एक तो धनात्मक आवेशित कोलाइडी सोल हो जाएगा, और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित कोलाइडी सोल। तो आपको कैसे लर्न करना, तो सबसे पहले देखिए ऋणावेशित कोलाइड की बात करता हूं, तो धातुओं के सोल है ना, जैसे गोल्ड सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया, कॉपर सोल हो गया, प्लेटिनम सोल, मतलब जो धातु के सोल है वो कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। दूसरा जो सल्फाइड के सोल है, धातु के सल्फाइड सोल, मतलब केडमियम सल्फाइड हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया As2S3, और एंटीमोनी सल्फाइड हो गया मीनिंग Sb2S3, मतलब धातु के सोल कैसी होती है, ऋणावेशित। धातु के सल्फाइड की सोल भी कैसी होती है, ऋणावेशित। और जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आती है, स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, ये भी कैसे होती है, ऋणावेशित होती है। इसके बाद में देखिए सिलिसिक एसिड है, मिट्टी है, इनका भी सोल कैसा होता है, ऋणावेशित। अम्लीय रंजक, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले उदाहरण आपको याद करना है। अम्लीय रंजक की बात करते हैं, अगर आप एसिडिक डाई की, तो उसके दो उदाहरण याद रखना, एक तो इओसीन है और दूसरा वाला कौन सा है, कांगोरीड है। तो जो भी अम्लीय रंजक है, एसिड डाई है, वो भी किस प्रकार की होती है, ऋणावेशित की। तो कुल मिलाकर कैसे याद करोगे, ऋणावेशित वाले के अंदर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है धातु के सोल ऋणावेशित प्रकार के होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया और कॉपर हो गया। और धातु सल्फाइड के सोल भी कैसे होती है, ऋणात्मक प्रकार के। इसके अलावा जो स्टार्टिंग से एग्जांपल पढ़ रही हो, स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद, ये भी कैसे होती है, ऋणावेशित प्रकार के। और इसके अलावा ये ध्यान रखना कि अम्लीय रंजक कौन कौन से होगी, एक तो इओसीन हो गया, दूसरा वाला कांगोरीड, दोनों के दोनों किसके उदाहरण होते हैं, ऋणावेशित कोलोइडी सोल के। मतलब क्या है इसका, ये वहां पर जो भी कोलोइड रहेगा उसके कोलोइडी पार्टिकल पर किस प्रकार का आवेश रहेगा, ऋणात्मक प्रकार का आवेश रहेगा। दूसरा देखिए धनावेशित, तो धनावेशित में डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी धातु के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड टाइप के जो सोल है वो कैसे होती है, धनावेशित प्रकार की होती है, मतलब धातु के ऑक्साइड और धातु के हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखिए हाइड्रोक्साइड की बात की तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की बात की तो आयरन हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर धातु धातु का हाइड्रोक्साइड है, ये भी एल्यूमिनियम भी क्या है, धातु का हाइड्रोक्साइड है, तो इसके सोल कैसे होती है, धनावेशित। दूसरा ऑक्साइड की बात की मैंने,
जलयोजित धात्विक ऑक्साइड जैसे L2O3 डॉट एक्स एस टू हो गया, Fe2O3 डॉट एक्स एस टू हो गया। नहीं, ये ध्यान रखना है कि धनावेशित कोलाइडी सोल में कौन से उदाहरण आएंगे, धातु के हाइड्रोक्साइड सोल और धातु के ऑक्साइड सोल, जनरली किसके उदाहरण होती है धनावेशित के। एक ये ऑक्साइड ध्यान रखना आपको, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये भी किसका उदाहरण होता है धनावेशित का उदाहरण होता है। अब ऋणावेशित में आप बोलकर आई थी अम्लीय रंजक, तो नॉर्मल सी बात है धनावेशित में कौन सा आ जाएगा फिर क्षारीय रंजक, और क्षारीय रंजक कौन सा, ये उदाहरण ध्यान रखना आपको मैथिलीन ब्लू या मैथिलीन नील ध्यान रखना है। इसको आप क्या बोल सकते हो, या तो मैथिलीन ब्लू, अदरवाइज क्या बोल सकते हो मैथिलीन नील। तो क्षारीय रंजक है वो तो धनावेशित कोलाइडी सोल के उदाहरण है, जबकि अम्लीय रंजक इओसीन और कांगोरीन ये किसके उदाहरण थे ऋणावेशित के उदाहरण थे। इसके अलावा एक करेक्शन करवाया है मैंने, हीमोग्लोबिन जो सोल होता है आपका ये किस प्रकार का होता है धनावेशित टाइप का कोलोइडी सोल है, कौन सा हीमोग्लोबिन। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो धनावेशित के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो धनावेशित के अंदर एक तो धातु के हाइड्रोक्साइड सोल आ जाएंगे, धातु के ऑक्साइड सोल आ जाएंगे, एक ऑक्साइड ध्यान रखना है कौन सा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और साथ में क्षारीय रंजक कौन सा मैथिलीन ब्लू, और एक हीमोग्लोबिन, ये किसके उदाहरण होते हैं धनावेशित कोलोइडी सोल के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट दे रखा, उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि किस प्रकार से तो सोल का निर्माण होता है और किसको वो अधिशोषित करता है। तो यहाँ पर ये वाली जो लैंग्वेज आपको एग्जांपल अंडरस्टैंड करवाता हूँ, उस वाले एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आयरन ट्राइक्लोराइड की। ये लीजिए, मैंने एक उदाहरण लिया है जिसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आयरन ट्राइक्लोराइड मीनिंग FeCl3, और आप इसका क्या करवा रही हो, जल अपघटन करवा रही हो। तो जल अपघटन से किसका सोल बन जाएगा, आयरन के हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, FeOH3। यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा आपके FeOH का थ्राइस, आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा, जल के साथ, तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आयरन का हाइड्रोक्साइड का सोल बन गया। और अभी आपने बोला कि आयरन का जो हाइड्रोक्साइड का सोल है, धातु के हाइड्रोक्साइड के सोल और ऑक्साइड के सोल जनरली कौन से होते हैं, धनात्मक कोलाइडी सोल होते हैं। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो FeCl3 है ना, ये किसमें ले रखा है, आधिक्य में ले रखा है, आयरन ट्राइक्लोराइड है ये किसमें ले रखा है, आधिक्य में ले रखा है। और आपके पास ये क्या बन गया, सोल बन गया, किसका सोल बना है FeOH3 का, अदरवाइज आयरन ट्राइक्लोराइड का क्या बन गया, सोल बन गया। अब किस प्रकार से ये धनात्मक आवेशित कोलाइडी सोल, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, सोल कौन सा बना आपके पास FeOH3। तो ये लीजिए, मैं यहां पर सोल लिख देता हूं, सोल का निर्माण हुआ है आपके पास FeOH3, ये आयरन का जो हाइड्रोक्साइड का सोल बन गया। अब देखो एक्सेस में किसको लिया है, आयरन ट्राइक्लोराइड को, मतलब यहां पर FeOH3 बन गया प्लस क्या बन गया HCl बन गया। तो मतलब यहां पर HCl है वो कौन से आयनों में टूट जाएगा, एच प्लस में टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या टूट जाएगा सीएल माइनस में। आधिक्य में कौन सा लिया आपने, आयरन ट्राइक्लोराइड, लेकिन यहाँ पर कौन से आयन आएंगे, क्योंकि ये वाला जो आयरन है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, प्लस 3 में। और कौन से आयन रह जाएंगे आधिक्य में, FeCl3 मतलब आयरन भी आधिक्य में, और क्लोराइड मैंने पहले से लिख दिया कौन सा आ जाएगा सीएल माइनस। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी सोल का निर्माण होता है ना, तो वो वाला सोल उसी आयन का अधिशोषण करता है जो कि उस सोल में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वापिस से रिपीट करता हूं, जैसे FeOH3 सोल का निर्माण हो गया, तो ये कौन से आयन का अधिशोषण करेगा, तो मैंने क्या बोला, केवल उसी आयन का अधिशोषण करेगा जो इस सोल के अंदर क्या होगा, कॉमन रहेगा। तो यहां पर देखिए, ये तो सोल बन गया था, कौन कौन से आयन आपके पास, एच प्लस आयन भाई, सीएल माइनस मतलब क्लोराइड है, और आयरन प्लस 3 है। अब इन तीनों आयन में से मेरे को ये बताइए कौन सा आयन ऐसा है जो कि इस सोल में भी उपस्थित है। तो यहां पर देखिए एच प्लस इस वाले के अंदर नहीं है, सीएल माइनस इस वाले सोल में नहीं है, लेकिन जो आयरन है ना ये वाली सोल में उपस्थित है। तो क्या करेगा, यहां पर आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है, ये वाली वर्टिकल लाइन किसको बताती है कि अधिशोषण को बताती है, और अधिशोषण किसका होगा, सोल में उपस्थित उभयनिष्ठ आयन का ही होगा। मतलब ऐसा आयन चाहिए जो सोल में भी उपस्थित हो और जो आपके पास आयन के रूप में भी उपस्थित हो। तो आयन के रूप में कौन उपस्थित है, आयरन प्लस 3, तो मतलब यहां पर आयरन प्लस 3 है वो क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वो किसको बता रही है, अधिशोषण को, और किसका अधिशोषण हुआ है, कौन से आयन का होगा, उस वाले आयन का होगा जो कि आपके सोल और आयन दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। अब यहां पर देख लीजिए कौन सा आयन का अधिशोषण हुआ था, प्लस वाले का, तो ये यहां पर कोलाइडी सोल तो बना है, लेकिन ये कोलाइडी सोल किस प्रकार का होगा, धनात्मक प्रकार का होगा।
जिस प्रकार के आयन का यहाँ पर अधिशोषण हो रहा है ना, उस वाले कोलाइडिसोल को आप उसी टाइप का बोल देती हो। अगर यहाँ पर ऋणात्मक प्रकार का अधिशोषण होता तो सोल कैसा हो जाता? ऋणात्मक प्रकार का सोल हो जाता। क्लियर हो गया ये वाला यहाँ पर? तो ये वाला कैसा सोल है? ये वाला आपके पास सोल है धनात्मक आवेशित सोल है। नेक्स्ट वाला एक उदाहरण देखिए, दूसरे वाले उदाहरण से आपको बताना है कि ये वाला किस टाइप के सोल का निर्माण करेगा। ये लीजिए दूसरा वाला सोल है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये लीजिए मैंने बोल दिया सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ मतलब Ki के साथ अभिक्रिया। अब की बार आपने क्या किया कि जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, इसको किस में ले लिया? आधिक्य में ले लिया है। आधिक्य में कौन है आपके पास? सिल्वर नाइट्रेट है। अब अभिक्रिया कैसे होगी? इधर देखिए Ag पर प्लस है, नाइट्रेट पर माइनस, इधर पोटेशियम पर प्लस है, आयोडीन पर माइनस है, तो किसका निर्माण हो जाएगा? AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड का निर्माण हो गया, और इधर से किसका निर्माण हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 का निर्माण हो गया। अब एक बात बताइए, ये तो क्या बन गया? सोल बन गया। AgI ये सिल्वर आयोडाइड का तो क्या बना दिया? सोल। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि यहां पर जो मेरे पास AgI था उसका तो क्या बन गया? सोल बन गया। और पोटेशियम नाइट्राइड वो किस कौन से आयनों में टूट जाएगा? पोटेशियम प्लस में टूट जाएगा, और पोटेशियम के साथ साथ टूट जाएगा ये नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस में टूट जाएगा। आधिक्य में कौन है? AgNO3। तो यहां पर देखिए जो भी Ag था वो तो आयोडाइड के साथ मिलकर क्या बना लिया? AgI बना लिया। और आधिक्य में कौन सा ले रखा आपने? AgNO3। तो मतलब यहां पर आधिक्य में तो और कौन से आयन मिल जाएंगे आपको? Ag+ भी मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ले रखा है, और इसके साथ क्या मिलेगा? नाइट्रेट भी मिलेगा मतलब NO3 भी मिलेगा। सोल किसका बना है आपके पास? सोल बना आपके पास सिल्वर आयोडाइड का मतलब AgI का सोल बना है। अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि जो भी सोल बनता है ना, वो वाला सोल है कौन से आयन का अधिशोषण करेगा? उसी आयन का अधिशोषण करेगा जो उसके सोल में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो दोनों के अंदर उपस्थित होना चाहिए। सोल किसका बना? AgI का। अब देखिए कौन कौन से आयन उपस्थित है आपके पास? पोटेशियम प्लस, इसके अंदर नहीं है तो इसका अधिशोषण नहीं होगा। नाइट्रेट इसमें उपस्थित नहीं है तो इसका भी अधिशोषण नहीं होगा। फिर देखिए कौन है? Ag+। तो यहां पर अधिशोषण किसका होगा? Ag+ का। तो ये वाली लाइन तो क्या बता रही है? अधिशोषण। और कौन से आयन का अधिशोषण होगा? Ag+ का अधिशोषण होगा। तो ये वाला सोल भी कौन सा है? धनात्मक सोल है, या धनात्मक आवेशित कोलोइडी सोल है। अब आया समझ में कि किस प्रकार से धनात्मक आवेशित सोल का निर्माण होता है और किस प्रकार से ऋणात्मक आवेशित सोल का निर्माण होता है। अब की बार मानिए अगर आपको रिएक्शन इस टाइप से मेंशन कर दी, ध्यान से समझना, AgNO3 वापिस से मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन वापिस से किसके साथ करवा रहा है? जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ मतलब Ki के साथ। अब की बार उसने ये बोल दिया कि अब की बार आपने आधिक्य में किसको लिया है? पोटेशियम आयोडाइड को लिया है। आधिक्य में मतलब ज्यादा मात्रा में किसको लिया है? पोटेशियम आयोडाइड को। जैसे यहां पर रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो इसको अलग पेन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं इससे, जिससे इजीली समझ में आया आपके, तो AgI बन जाएगा। आज भी सोल किसका बन गया? सिल्वर आयोडाइड का सोल बन गया। साथ में क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्राइट मतलब क्या बन गया? KNO3 बन गया। ये लीजिए पोटेशियम नाइट्राइट बन गया। अब आधिक्य में कौन है? पोटेशियम आयोडाइड, तो मतलब कौन से आयन आ जाएंगे यहां से? पोटेशियम प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? आयोडाइड मीनिंग I- आ जाएगा। सोल किसका बना है? AgI का। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया AgI का क्या बन गया? सोल। अब ये जो AgI है कौन से आयन का अधिशोषण करेगा? जो उभयनिष्ठ हो, मतलब आयन के रूप में भी आ रहा हो और साथ में जो सोल बना उसमें भी आ रहा हो। तो यहां से देखेंगे आप, अगर KNO3 को आप तोड़ोगे, यहां पर ब्रेकडाउन करोगे, तो कौन से आयन मिल जाएंगे? K+ मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा? NO3- मिलेगा। तो ये जो सोल बना है इसमें पोटेशियम नहीं है, मतलब इसका भी अधिशोषण नहीं होगा। नाइट्रेट भी नहीं है इस वाले के अंदर, सोल के अंदर, तो नाइट्रेट का भी नहीं होगा। वापिस से पोटेशियम नहीं है तो पोटेशियम का अधिशोषण नहीं होगा। अब की बार अधिशोषण किसका होगा? आयोडाइड का होगा, आयोडीन का होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार यहां पर जो AgI है उसके अंदर कौन सा आयन उपस्थित हो? बेनिस्ट आयोडीन उपस्थित है। तो यहां पर क्या बोलोगे आप? अधिशोषण अब की बार किसका होगा? आयोडाइड का होगा। तो अब की बार देखिए कौन से आवेशित आयन का अधिशोषण हो रहा है ऋणात्मक प्रकार का? तो अब की बार ये सोल तो है, लेकिन ये सोल का प्रकार परिवर्तित हो गया। अब की बार ये धनात्मक सोल नहीं है, अब की बार ये कैसा सोल है? ऋणात्मक आवेशित सोल। मतलब जिस प्रकार के आयन का अधिशोषण हो रहा है ना सोल पर, वो उसी प्रकार का बन जाता है। तो यहां पर देखो ऐसा नहीं करना है कि जब भी AgNO3 की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ आ गई, हमेशा कौन सा बनाकर आ गया? पॉजिटिव या धनात्मक आवेशित सोल। वो डिपेंड करता है कि आपने आधिक्य में क्या ले रखा है, और जो सोल बना है उसमें, और जो आयनिक रूप में कौन सा आयन उभयनिष्ठ, या दोनों में कौन सा आयन कॉमन है। तो यहां पर देखो AgI का पॉजिटिव सोल भी बन सकता है, AgI का नेगेटिव सोल भी बन सकता है, डिपेंड करता है वो
रिएक्शन पर। क्लियर है? अब यहां से देखिए जो इंपोर्टेंट बात बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करते हैं अपन। ये लीजिए, कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित आयन एक विद्युत स्तर या सतह के रूप में होते हैं। ये इंपोर्टेंट है, जो भी कोलाइडी कण होगा उसकी सतह पर जो भी अधिशोषित आयन हो रही है वो किसका निर्माण कर लेते हैं? विद्युत स्तर या सतह के रूप में होते हैं तथा स्थिर रहते, स्टेबल रहते, किसी भी प्रकार की उसमें हलचल या गति नहीं होती। इस स्थिर सतह को प्राथमिक विद्युत स्तर कहते हैं। जो पहली बार जिसका अधिशोषण होने के बाद में जो सतह बनती है ना, जो लेयर बनती है, उसको कौन सा स्तर बोलते हो? प्राथमिक विद्युत स्तर बोलते हो। इस स्तर के चारों ओर विलयन में उपस्थित अन्य आयन एक दूसरा विद्युत स्तर बना लेते हैं, जो कैसा होता है? गतिशील होता है। इंपोर्टेंट है कि जो प्राथमिक विद्युत स्तर है ये तो कैसा होता है? स्थिर होता है, मतलब यहां पर किसी प्रकार की गति नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा प्रकार का विद्युत स्तर बन रहा है वो कैसा होता है? गतिशील होता है। यह द्वितीयक विद्युत स्तर गतिशील विद्युत स्तर कहलाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर में उपस्थित कुल आवेश मात्रा में बराबर होते हैं, परंतु एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब आइए इसको अच्छे से एग्जांपल से अपन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल था आपके पास, तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज बोली उस वाली लैंग्वेज को मैं कन्वर्ट करता हूँ टोटल को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, जैसे आपने ये वाला कोई कौन सा सोल था? एफ ई ओ एस थ्री। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर सोल बना दिया। ये वाला सोल कौन सा है? एफ ई ओ एच थ्राइस का सोल है। ये वाला जो मैंने गोले के अंदर मेंशन किया, इसका मीनिंग क्या है कि ये किसका सोल है? एफ ई ओ एच थ्राइस या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड का क्या उपस्थित है? सोल उपस्थित है। अब इसके ऊपर अधिशोषण किसका हो रहा है? आयरन प्लस थ्री का। मतलब ये देखिए मैं जो दूसरा स्तर बना रहा हूं अलग पेन से, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये करता है अधिशोषित आयन को। तो ये वाला जो स्तर बनाया मैंने, ये वाला किसका स्तर है? अधिशोषित आयन का। अधिशोषण किसका हुआ? आयरन प्लस थ्री का। तो ये मैंने मान लिया कि यहां पर मैंने तीन जो आयरन प्लस थ्री है उनका अधिशोषण कर दिया। तो ये लीजिए दो, और ये वाला हो गया तीन। ये तो हो गई अधिशोषित। और ये वाले को आप क्या बोलते हो? प्राथमिक विद्युत स्तर बोलते हो, जो कि कैसा होता है? अचल होता है, मतलब गतिशील नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, आप क्या बोल रहा है कि इसके बाद में एक द्वितीयक स्तर और बनता है, और वो कौन से आयन का बनता है? जो आधिक्य में उपस्थित होगा और इसके जस्ट विपरीत होगा। यहां पर देखिए, आपने आधिक्य में कौन सा लिया था? एपीसीएल थ्री। तो अधिशोषण तो किसका हुआ था? आयरन प्लस थ्री का। अधिशोषण तो किसका हुआ था? आयरन प्लस थ्री का। तो यहां पर रिमेनिंग कौन सा रह जाएगा आपके पास? ऋणात्मक वाला क्लोराइड रह जाएगा। तो अब की बार इस वाले स्तर के चारों ओर एक और परत बनेगी। ये परत कैसी होती है? गतिशील होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राथमिक जो विद्युत स्तर होता है वो तो कैसा होता है? अगतिशील होता है। लेकिन ये जो मैं द्वितीयक स्तर बना रहा हूं, तो ये वाला स्तर कैसा होता है? गतिशील होता है। और इस पर किस प्रकार के आयन उपस्थित होंगे? प्राथमिक स्तर के जस्ट विपरीत प्रकार के आयन उपस्थित होंगे। तो प्राथमिक विद्युत स्तर पर अगर धनात्मक वाला आ गया तो यहां पर कौन सा आएगा? ऋणात्मक। और आधिक्य में क्या लिया था? एपीसीएल थ्री, मतलब धनात्मक वाला आयरन है, ऋणात्मक वाला क्लोराइड है। तो यहां पर कौन आएगा? क्लोराइड आएगा। इंपोर्टेंट बात क्या है? जितना प्राथमिक स्तर पर आवेश होता है ना, उतना ही आवेश किस पर होता है? द्वितीयक विद्युत स्तर पर होता है। तो यहां पर काउंट कीजिए, अगर आप इसको काउंट करोगे तो प्राथमिक स्तर पर कितना आवेश है? तीन, तीन छह, तीन नौ, मतलब नौ धनायन है। तो यहां पर क्लोराइड भी टोटल कितना होना चाहिए? नौ। एक क्लोराइड पर कितना होता है? माइनस एक होता है। तो आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे कितने क्लोराइड उसका यहां पर द्वितीय परत में निर्माण करोगे? नौ का। क्योंकि आपने ये बोला कि जितना आवेश प्राथमिक परत पर होता है उसके ठीक विपरीत आवेश कहां पर उपस्थित होगा? द्वितीय परत पर। तो टोटल कितने थे? नौ धनात्मक आवेश थे। तो नौ ऋणात्मक, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और ये बना दिए मैंने नौ। मतलब जितना धनात्मक आवेश उपस्थित होता है ना प्राथमिक विद्युत स्तर पर, ठीक विपरीत प्रकार का आवेश कहां पर उपस्थित होगा? द्वितीयक स्तर पर। और द्वितीयक स्तर को मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया है? क्योंकि ये कैसा होता है? गतिशील होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्तर कैसा होता है? गतिशील होता है। और जो प्राथमिक स्तर है ये वाला कैसा होता है? तो इसको इसी की पेन से लिखता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। ये वाला कैसा होता है? अचल होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। पहले बनाया तो इसको कौन सा स्तर बोलते हो? प्राथमिक विद्युत स्तर बोलते हो। इस वाले को आप क्या बोलते हो? प्राथमिक विद्युत स्तर बोलते हो। ये लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया। ये वाली परत कौन सी है आपके पास? ये वाली परत है आपके पास प्राथमिक विद्युत स्तर। और ये वाली जो सेकंड वाली परत है कौन सी होती है? द्वितीयक है।
तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि ये वाली परत है ना जो गतिशील है, ये वाली कौन सी लेयर है? द्वितीयक वैद्युत स्तर। ये वाला कौन सा स्तर होता है? द्वितीयक वैद्युत स्तर होता है। तो बस ये टोटल थ्योरी आपके समझ में आनी चाहिए कि प्राथमिक जो वैद्युत स्तर है वो तो अचल होता है, द्वितीयक वैद्युत स्तर वो कैसा होता है? गतिशील होता है। प्राथमिक जो स्तर बन रहा है उसके जस्ट विपरीत आवेश किस पर रहता है? द्वितीयक स्तर पर रहता है। और यहाँ पर दोनों के इस रहेगी, जितना मतलब धनात्मक आवेश ना उतना ही क्या होगा? ऋणात्मक आवेश रहेगा। तो ये टोटल थ्योरी आप यहां से रिलेट कर सकते हो, साथ में प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर। देखो एक तो क्या हो गया, धनात्मक वाली परत आ गई, दूसरी ऋणात्मक वाली परत आ गई। फिजिक्स में आप पढ़ते हो संधारित्र, तो संधारित्र में भी क्या होते हैं? दो प्लेटें होती है, एक तो कौन सी आवेशी रहती है? एक तो धनात्मक रूप से आवेशी रहती है और दूसरी वाली नेगेटिव रूप से आवेशी रहती है। तो इसी को आप क्या बोलते हो? संधारित्र बोलते हो, कैपेसिटर। और इनके मध्य में जो विभव उत्पन्न होता है आप उसको क्या बोलते हो? विद्युत विभव बोलते हो। तो यहां पर भी देखिए प्राथमिक परत पर धनावेश और दूसरी परत पर ऋणात्मक है, तो इनके मध्य भी क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा, उस वाले विभव को क्या बोलते हो? जीटा विभव बोलते हो। तो ये वाली परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है कि जीटा विभव क्या होता है। कौन सी विभव की बात कर रहा हूं मैं? जीटा विभव का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीटा विभव का मतलब क्या होता है? प्राथमिक वैद्युत स्तर एवं द्वितीयक वैद्युत स्तर के मध्य विभव के अंतर को ही जीटा विभव कहते हैं। एक बार राइट डाउन कर लीजिए, आप परिभाषा लिख लीजिए। क्या परिभाषा हो जाएगी जीटा विभव की? प्राथमिक वैद्युत स्तर एवं द्वितीयक वैद्युत स्तर के मध्य विभव के अंतर को ही जीटा विभव कहते हैं। इसी को क्या बोलते हो? जीटा विभव। तो यहां पर अब देखो ये वाली लैंग्वेज एक बार रीडिंग लगा लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगी आपके। कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित आयन एक वैद्युत स्तर या सतह के रूप में होते तथा स्थिर रहते, मतलब अचल रहते, गतिशील नहीं होते। इसी को आप क्या बोलते हो? प्राथमिक वैद्युत स्तर बोलते हो। इस तरह के चारों ओर विलयन में उपस्थित अन्य आयन, मतलब उसके जस्ट विपरीत वाला अन्य आयन, एक दूसरा वैद्युत स्तर बना लेते हैं जो कैसा होता है? गतिशील होता है। अतः इसको आप क्या बोलते हो? द्वितीयक वैद्युत स्तर या गतिशील वैद्युत स्तर भी कहलाते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर में उपस्थित कुल आवेश मात्रा में क्या होते? बराबर होते, परंतु कैसे रहते? विपरीत रहते। ये इस वाली डायग्राम से टोटल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए अब इसके बाद में, वैद्युत कण संचलन, ये भी क्या होता है? कोलाइड का गुणी है। अपन क्या पढ़ रही है अभी? कोलाइड के गुण पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? वैद्युत कण संचलन। अब इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इजीली, कैसे? मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर एक समान क्या रहता है? आवेश उपस्थित रहता है। अब आप क्या कर रहे हो कि कोलाइडी विलयन में क्या अप्लाई कर दोगे? आप किसका अनुप्रयोग कर लोगे? विद्युत क्षेत्र का, मतलब आप इलेक्ट्रोन लगा दोगे धनावेशित और ऋणावेशित वाला। तो कॉमन सेंस की बात, अगर कोलाइडी विलयन के प्रक्षिप्त प्रावस्था पर अगर धनात्मक आवेश है तो वो क्या करेंगे? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोन पर जाकर क्या हो जाएंगे? निक्षेपित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक आवेश है तो कौन सी इलेक्ट्रोन पर जाकर वो निक्षेपित हो जाएंगे? जो इलेक्ट्रोन ऋणात्मक आवेश है तो उस पर जाकर क्या हो जाएंगे? निक्षेपित हो जाएंगे। इसी को आप क्या बोलते हो? वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई बार इसकी परिभाषा भी डायरेक्ट पूछी गई है। तो आइए देखते हैं क्या होता है वैद्युत कण संचलन। परिभाषा देखेंगे इसकी, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। मतलब सीधी सी परिभाषा आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी जो कण है उनका विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना या अभिगमन करना है, क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वापिस रिपीट कर देता हूं परिभाषा को, इंपोर्टेंट परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करना ही क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब कॉमन सेंस की बात है, यहां पर देखिए क्या मेंशन कर रहा है, कोलाइडी कणों का कैथोड की ओर अगर वो अभिगमन कर रहे हैं तो इसको क्या बोल दोगे? धन कण संचलन बोल दोगे, मीनिंग कैटाफोरेसिस बोल दोगे। अगर कोलाइडी कण है, अगर उनके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, अगर उनके ऊपर धनात्मक आवेश है तो नॉर्मल सी बात है कहां पर जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे। अगर कैथोड की ओर कोलाइडी कणों का अभिगमन होता तो आप इसको क्या बोलते हो? धन कण संचलन बोलते हो। अगर मान लीजिए एनोड की ओर अभिगमन हो रहा है कोलाइडी कणों का तो इसका क्या बोल दोगे? ऋण कण संचलन कहलाता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, वैद्युत कण संचलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला आपको क्या बेनिफिट देता है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? तो वैद्युत कण संचलन की सहायता से कोलाइडी कण पर
उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपको पता नहीं कि कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, तो आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया कोलाइडी विलयन में। इलेक्ट्रोड लगाकर आपने विद्युत क्षेत्र है वो वहां पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब अगर मान लीजिए कोलाइडी कण मतलब जो प्रक्षिप्त प्रावस्था पर अगर धनात्मक आवेश है तो सीधी सी बात वो किस ओर जाएंगे, धनात्मक आवेश है तो वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, मतलब एनोड की ओर जाकर क्या हो जाएंगे, एनोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएंगे। अगर एनोड के ऊपर जाकर निक्षेपित हो रहे हैं तो आपको पता चल गया कि कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश उपस्थित था, धनात्मक आवेश उपस्थित था। अगर मान लीजिए कोलाइडी कणों पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित था और वो अबकी बार कहां पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड, मतलब कहां पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगे, आपके कैथोड पर निक्षेपित हो जाएंगे। तो जब भी कोलाइडी विलयन अगर कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो रहा है तो मीनिंग वहां पर कौन सा आवेश था, कोलाइडी कणों पर धनात्मक। अगर कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी कण है, अगर ऋणात्मक पर जाकर अवक्षेपित हो रही है, मतलब कहां पर अवक्षेपित हो रही है, यहां पर आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जो भी कोलाइडी कण होते हैं वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, As2S3 मतलब क्या हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एनोड की ओर गति करते हैं। एनोड की ओर गति करने का मतलब क्या है कि एनोड की ओर गति करती है, तो ये कोलाइडी कण कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। आप पहले से जानते हो कि जो As2S3 मतलब धातु का क्या आ गया, सल्फाइड सोल आ गया, तो ये किसका उदाहरण होता है, ये तो ऋणावेशित कोलाइडी सोल का उदाहरण होता है। जब ये ऋण आवेशित है तो कौन से इलेक्ट्रोड पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा, एनोड पर जाकर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हो आप, एनोड बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशित कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं। मतलब यही सीन होता है कि जैसे आपने विद्युत धारा प्रवाहित की कोलाइडी विलयन में, तो जो भी आवेशित कोलाइडी कण थे वो विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाएंगे, अपना आवेश त्याग देंगे, तभी तो उनका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण या निक्षेपण हो जाएगा। अब उदासीन कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त होकर बड़े बड़े कणों में बदलकर क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। मतलब अब कोलाइडी कण पर कोई आवेश ही नहीं रहा तो क्या होगा, जो कोलाइडी कण है वो आपस में पास पास आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आकर क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, और जब वो संयुक्त हो जाएंगे तो फिर वो कोलाइडी कण नहीं रह पाएंगे, किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, फिर वो परिवर्तित हो जाएंगे, निलंबन में परिवर्तित हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, उनका स्कंदन बन जाएगा। ये उदाहरण देखिए, यहां पर जब आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, प्रारंभ की बात कर रहा है, तो यहां पर ये किसका सोल था, आर्सेनिक सल्फाइड का, किस टाइप, किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। लेकिन जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो ये कौन सा होता है आपके, ऋणावेशित सोल है, तो कौन सी इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, धनात्मक। तो देखिए पहले तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो पूरे के पूरे जो कोलाइडी ये कण है कौन सी इलेक्ट्रोड पर जाकर निक्षेपित हो गए, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, आपस में संयुक्त होकर बड़े बड़े कणों में क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड पर। अब बस आज की क्लास में इतना ही कंप्लीट करते हैं, इसका एक लेक्चर और रहेगा, वो कम से कम 20 या 25 मिनट का रहेगा, उसके बाद में पृष्ठ रसायन वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।